तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। ये साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए रहेगा 1 से 7 फरवरी तक के लिए। तो ये फरवरी का पहला सप्ताह है और इसमें हमने 1 से 7 दिन तक जो शुरुआती 7 दिन हैं वो शामिल किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस साप्ताहिक राशिफल में 1 और 2 तारीख की। 1 और 2 को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे जो आपके राशि स्थान से छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। किसी के साथ पैसे का लेन देन करते हैं तो आपका पैसा कहीं अटक सकता है, हो सकता है कोई आपका पैसा हड़प सकता है। तो इस समय में पैसे को लेके विशेष सावधानी बरतें। आपके खर्चों में अधिकता रहेगी, साथ ही साथ शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, किसी से विवाद हो सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इस समय में अगर कोई पुराना रोग है तो वो फिर से उभर सकता है। साथ ही आपके कार्यस्थल की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं वो आपके पक्ष में नहीं होंगी, जिससे आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई महसूस हो सकती है। और हो सकता है आपको जिस वर्क प्लेस पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग आपके खिलाफ हो जाएं, कुछ लोग आपसे प्रतियोगिता करें और कुछ आपसे शत्रुता रखें, तो ये सारी परेशानियां आपको रहेंगी। तो जॉब में इस समय में बदलाव भी संभव है, साथ ही साथ जो भी परिस्थितियां आपके कार्यस्थल पर डेवलप होंगी, जो पैदा होंगी, उनसे आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। और इस समय में अगर कोई कंपटीशन आप फाइट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। चंद्रमा का छठे भाव में गोचर होने से आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में जरूर आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का पाया कमजोर होने से आपको किसी भी काम को इस समय में समय पर नहीं कर पाने से काफी ज्यादा कठिनाई होगी। साथ ही साथ कोई भी सही निर्णय आप इस समय में नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको लंबे समय के लिए कोई निर्णय लेना है उसको आप थोड़ा टाल सकते हैं और आने वाले समय तक के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके बाद आप उस निर्णय पर विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में जो आपके बॉस हैं उनसे भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो चंद्रमा का छठे भाव का गोचर यानी शुरुआती 1 और 2 तारीख के लिए आपको शुभ नहीं रहेगा। इसके बाद अगले 2 दिन के लिए यानी 3 और 4 को चंद्रमा तुला में गोचर करेंगे। तुला में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में रहने से ये समय आपके लिए काफी उपयुक्त रहेगा। इस समय में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत आपकी दूर होगी। साथ ही साथ इस समय में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा रहेगा। किसी से कोई पार्टनरशिप करनी है या पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई अन्य काम करना है तो आपके लिए ये समय काफी उपयुक्त रहने वाला है। तो इस समय में आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा और कुल मिलाकर ये समय काफी उपयुक्त साबित होगा। तो पिछले कुछ समय से जो आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलते आ रहे थे वो आपकी दूर होंगी और अब आप एक अच्छे प्रकार से कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ पाएंगे। तो इस समय में जो लोग पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आपको आपके बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिल जाने से आप लाइफ में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो समय रहेगा आपके लिए ये काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। कुल मिलाकर ये जो 2 दिन हैं इनमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलने वाली है हर काम में। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना, आपके यहाँ से चंद्रमा राशिस्थान को भी देखेंगे, तो ये समय आपके और आपके पार्टनर के लिए दोनों के लिए ही थोड़ा सा इमोशंस से भरा हुआ रहेगा। तो अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल जरूर करना होगा। साथ ही हो सकता है अगर आप पब्लिक की कोई सेवा कर रहे हैं, कोई ऐसी सर्विस कर रहे हैं जहां पर आप जनता की सेवा कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो लोगों के साथ भी आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा इमोशनल टाइप का हो सकता है। ये समय में चंद्रमा का जो सप्तम में गोचर है उसकी वजह से चंद्रमा आपके जीवन साथी को और आपको भी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी मात्रा में देंगे, जिस वजह से आपके मन में काफी सारे विचार उठेंगे। और अगर आप कोई राइटिंग के फील्ड में हैं तो आप अच्छा लिख पाएंगे। अगर आपको कोई लेख लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, तो आप बहुत अच्छा काम इस समय में कर सकते हैं। तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें 5 और 6 तारीख की, तो 5 और 6 फरवरी को
चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे और ये आपके लिए वृश्चिक राशि में स्थित होंगे, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में इनका स्थित होना आपको मानसिक रूप से परेशानी देगा। हो सकता है आप जानबूझकर किसी कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें और बाद में जाकर वो काम आपसे ठीक प्रकार से नहीं हो पाए। इस समय में अचानक धन लाभ के संकेत आपको मिलते हैं, साथ ही प्रॉपर्टी का कोई फायदा हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके इन-लॉज से काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी, साथ ही पैतृक संपत्ति में भी बहुत लाभ इस समय में देखने को मिल सकता है। इस समय में आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा कमजोर स्थिति में है तो ये समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो धन का अचानक नुकसान भी हो सकता है। साथ ही इस समय में अगर आप शिव चालीसा के पाठ करते हैं या ओम शब्द का जप करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता यहाँ पर मिल जाएगी। तो अपने मन को जहाँ तक हो सके आपको शांत रखना होगा और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये मानसिक परेशानी वाला समय रहेगा 2 दिनों का। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपके लिए स्थिति बनेगी, 7 तारीख को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे फिर से और ये धनु राशि में स्थित रहेंगे। तो धनु राशि में इनका स्थित होना आपको आपके भाग्य से सपोर्ट दिलाएगा, साथ ही पिता से काफ़ी अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। दूर की यात्राओं में रुचि रहेगी, इवन आपकी फॉरेन ट्रेवल तक हो सकती है। अगर आप अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य का भ्रमण करना चाहते हैं, कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं कहीं पर, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय काफ़ी उपयुक्त रहेगा। इस समय में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है अपनी एजुकेशन में। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। इस समय में आपको चंद्रमा 3rd हाउस को देखेंगे, जिससे छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर मीडिया के क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। चंद्रमा की 3rd भाव पर दृष्टि होने से आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, आपके पड़ोसियों से, आपके भाई बहनों से और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी काफ़ी अच्छे संबंध रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय में आप जोखिम नहीं लेना चाहेंगे और आप बहुत अच्छे से सरलता से जो कार्य होते हैं उनमें ज़्यादा रुचि लेंगे। तो ये समय थोड़ा सा भाग दौड़ का जरूर हो सकता है जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी, और इस समय में आपको थकान भी थोड़ी बढ़ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य है उसके दृष्टिकोण से थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना होगा, क्योंकि आप इधर उधर की यात्राएं करेंगे, यात्राएं करने की वजह से आप शरीर को आराम नहीं दे पाएंगे, जिससे थकान बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आपको आराम भी जरूर करना चाहिए। तो इस वीक में अगर देखा जाए तो शुरुआत में आपको सबसे ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे आपके लिए वीक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके कार्य सरलता से बनते जाएंगे और जो भी विशेष परेशानियां हैं वो आपकी दूर होती जाएंगी। तो मेष राशि वालों के लिए इस वीक में जो शुभ अंक रहेगा वो आपके लिए रहेगा 5 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा व्हाइट। फिलहाल बस इतना ही।